चंद्रयान 2 के मिशन के लिए जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए भी धड़कनें बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको बता दें, विक्रम लैंडर से हम संपर्क करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों के पास ओनली 5 दिन बचे हैं। ऐसे में क्या विक्रम से हम संपर्क कर पाएंगे? क्या आखिर हमारा चंद्रयान 2 का मिशन जो है सक्सेसफुल हो पाएगा? इस वीडियो में हम पूरी बात को जानेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्या आखिर हम संपर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। इस वीडियो का मकसद आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इसरो के वैज्ञानिकों के पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिन का मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो चांद के ऊपर ओनली 5 दिन रहेगा। ऐसी कंडीशन में इसरो के वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की बैटरी खत्म हो गई या लो हो गई तो ऐसे में उससे कनेक्शन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। अभी तक विक्रम से बिल्कुल भी हमारा कनेक्शन नहीं हो पाया। पर साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि विक्रम जो है वो चांद के सतह पर पहुंच गया और साथ में वो टेढ़ा मिला है, जिसके वजह से सिग्नल एंटीना में कुछ न कुछ इशू आ गया। लाखों प्रयास करने के बाद में इसरो के वैज्ञानिकों के साथ देने के लिए अमेरिका की नासा की कंपनी भी साथ देने लगी। दोनों वैज्ञानिक मिलकर काम कर रहे हैं, पर अभी तक भी हमारे विक्रम वेड लैंडर से भी संपर्क नहीं कर पाया। ऐसी कंडीशन में हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अभी भी उत्साहित हैं और हताश भी है, क्योंकि नासा के कंपनी ने इसरो के वैज्ञानिकों से बात की और उनका साहस बढ़ाया। ऐसी कंडीशन में इसरो के वैज्ञानिक का हौसला बढ़ा और वो ज़्यादा खुश हो गए। और नासा ने इसरो के वैज्ञानिकों के लिए पूरा विश्वास दिलाया कि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल होगा। पर हम आपको बता दें कि उनके और बीटर यानी नासा के और बीटर से भी कुछ तस्वीरें ली गई हैं, जिसमें पता चला है कि वो तिरछा लेटा हुआ है। ऐसी कंडीशन में जो उसकी क्लस्टर है वो टूट चुकी है। साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं कि विक्रम लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, पर कनेक्शन टूटने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई। इससे उसकी जो क्लस्टर है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से अभी तक भी विक्रम लैंडर को खड़ा नहीं कर पाए। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों में बहुत ज़्यादा साहस और हिम्मत से काम लेता है, क्योंकि इसरो ने विक्रम लैंडर को लैंड करने के लिए एक बहुमूल्य एरिया चुना, जिससे कि आज तक कोई भी देश उस एरिया में अपने लैंड को लैंडिंग नहीं करने दिया। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रयान 2 सक्सेसफुल होगा और हम उससे कनेक्शन जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। अगर आप भी इसरो के वैज्ञानिक का हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसरो के फेवर में एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमें और इसरो दोनों को मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।